हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। तो देखिए, गुजरात गैस लिमिटेड एक कंपनी आपका फंडामेंटली कैसा कंपनी है, टेक्निकल चार्ट इस कंपनी का कैसा है, इस कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट निकला है 2022 का वो कैसा निकला है, और इस कंपनी का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, पूरा डिटेल्स जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, आज के डे पे अभी तक इस शेयर आपका हाई गया है 555, लो गया है 525.05 एंड अभी तक इस शेयर ने लगभग आपका रिटर्न दिया है 6.20-25% का। ओके, और अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो आपका चल रहा है लगभग 539, 538, 537 इस रेंज पे। ओके, इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है ₹36,563.84 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹37,142.44 करोड़ एंड पीई रेशियो है 30.54। इस कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्थ है ₹897.26 करोड़ का, तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.20। अगर किसी भी कंपनी का डेप्थ इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे एक से कम ही है। एंड इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 1.63। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे एक से ज्यादा ही है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹17.39, रिटर्न ऑन इक्विटी है 32.82% एंड आरओसी है 34.47%, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। ये जो कंपनी है गुजरात गैस, इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 60.89%, पब्लिक का होल्डिंग है 23.6% एंड डीआईआई का होल्डिंग है 9.53%, एफआईआई का होल्डिंग है 5.98%। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक चीज देखिए, ये जो आपका 60.89% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, जो कि फंडामेंटली एक आपका अच्छा बात है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे ये जो आपका कंपनी है गुजरात गैस, इस कंपनी का आपका लास्ट 5 क्वार्टर का क्वार्टरली रिजल्ट ओपन कर लिया, और जिसका जो भी फिगर है आपका पूरा करोड़ में है। तो देखिए, आपका 2022 मार्च का क्वार्टर में, मतलब आपका Q4 के क्वार्टर में आपका नेट सेल्स यहाँ पे कितना हुआ है 4,773.37 करोड़, जो कि उसका जो पिछले क्वार्टर मतलब दिसंबर 2021 के क्वार्टर में हुआ था 5,241.16 करोड़, उसके मुकाबले कम हुआ है। मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में नेट सेल्स गिरा है, लेकिन इसको अगर मैं पिछले साल इसी क्वार्टर से कंपेयर करूंगा, मतलब 2021 मार्च के क्वार्टर से कंपेयर करूंगा, तो देखिए मार्च के क्वार्टर में 2021 में आपका नेट सेल्स हुआ था 3,495.92 करोड़, जो कि इस क्वार्टर में उससे ज्यादा हुआ है। मतलब आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट अच्छा आया है। अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 697.43 करोड़, जो कि इसका जो पिछले क्वार्टर 2021 दिसंबर में आया था 237.49 करोड़। मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा आया है। अगर हम लोग ईयर से कंपेयर करेंगे तो लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था 552.65 करोड़। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी यहाँ पे हम लोगों को आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक अच्छा बात है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट हुआ है आपका 444.29 करोड़, जो कि इसका जो पिछले क्वार्टर था आपका दिसंबर 2021 के क्वार्टर में हुआ था 121.93 करोड़, एंड पिछले साल आपका मार्च के क्वार्टर में हुआ था 347.36 करोड़। मतलब नेट प्रॉफिट भी आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड आपका क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे अच्छा आया है। मतलब इस शेयर का Q4 2022 का जो रिजल्ट निकला है वो आपका अच्छा आया है। ओके, और एक चीज देखिए, मैक्सिमम इस शेयर ने अभी तक आपका रिटर्न दिया है 4,463.91% का, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही एक अच्छा रिटर्न है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे, एंड वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, इस जगह पे
ये आपका था 5 मई 2022 का दिन। यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था, जिस कैंडल में सुपर 10 ने बाई सिग्नल भी दिया था, जो कि टेक्निकल एक अच्छा बात है। एंड आज के डे पे देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को गैप अप में एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, जो और इस कैंडल ने क्या किया है, इस कैंडल ने आपका 50 डेज मूविंग एवरेज का जो ये वाला लाइन है इसको तोड़ के ऊपर चला गया, जो कि आपका टेक्निकल एक अच्छा बात है। अगर RSI की बात करेंगे तो RSI भी यहाँ पे देखिए आपका अपटेन हो चुका है और लगभग 60 का जो लेवल है वहां तक पहुंच भी चुका है। और अगर हम लोग MACD की बात करेंगे तो MACD भी देखिए 0 पॉइंट से ऊपर है, मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया, तो पहला चीज देखिए ये शेयर आपका कुछ वीक से गिर रहा था, गिरते गिरते जब ये शेयर ये वाला जो ग्रीन कलर का जो लाइन है 100 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है इसके नजदीक आया, इसके नीचे गया था लेकिन इसके नीचे सस्टेन कर नहीं पाया और यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेते हुए इस वीक में हम लोगों को फिर से एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक अच्छा बात है। अगर RSI की बात करूंगा तो देखिए RSI आपका 40 के लेवल को तोड़ के नीचे चला गया था लेकिन फिर से आपका RSI अपटेन हो चुका है। और अगर MACD की बात करूंगा तो देखिए MACD 0 पॉइंट से नीचे है, लेकिन 0 पॉइंट से नीचे भी लगातार 4-5 वीक से यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, मतलब वीकली चार्ट में भी ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को शो कर रहा है कि ये शेयर गिर रहा था लेकिन सपोर्ट जोन पे आने के बाद, सपोर्ट लेने के बाद अभी ये शेयर फिर से अपटेन हो चुका है, जो कि टेक्निकली एक आपका अच्छा बात है। तो मेरे हिसाब से अभी जो इस शेयर का करंट प्राइस है लगभग आपका 538-539, अगर इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए और अगर आप लोगों का नजरिया मिनिमम 30 से 40 दिन का भी है तो मुझे जो लगता है कि 30 से 40 दिन के अंदर ये शेयर आपका 590 का जो पहला टारगेट है उसको अचीव कर सकता है। और अगर ये शेयर एक बार 590 के ऊपर सस्टेन कर गया तो ये शेयर आने वाले दिनों में 700 का टारगेट भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं और मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही ही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।